Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. So today in this video lecture, we will start exercise 2.5. Let us see. This is exercise 2.5, question number 2. N by 2 minus 3N by 4 plus 5N by 6 is equals to 21. Solve the following linear equation. आपको इस equation को solve करना है. तो आप देख सकते हैं कि जो n वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पे आपका नंबर है 21. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 2, 4 एंड 6 का. तो हम 2, 4 एंड 6 का एलसीएम लेते हैं. तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6. तो एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3. 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 12 आ गया. तो हम यहां लिख देंगे 12, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 2 को 5n से करोगे कितना होगा, 10n is equals to 21. एलसीएम तो सभी को लेना आता है. अब सॉल्व करते हैं, 6n minus 9n कितना आएगा, minus 3n plus 10n divided by 12 is equals to 21. So minus 3n plus 10n is equals to 21 into 12. So this is 7n is equals to, हम यहाँ multiply करते हैं 21 को 12 से. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 1 and 2. This is 252. तो यहाँ पर आया 252. तो n की value कितनी आएगी, 252 divided by 7. तो 252 को आपने किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है. तो 7 3 जा 21, सो दिस इज 7 6 जा 42. तो आप देख रहे हैं पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा बेटा, 36. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 36. This is question number 4. X minus 5 upon 3 is equals to X minus 3 upon 5. तो सबसे पहले जो denominator है बेटा, उसको हम separate कर लेते हैं. X by 3, 5 by 3, यहाँ पर X by 5, यहाँ पर 3 by 5. तो इस तरह से हमने 4 terms में इसको convert कर लिया है. अब हमारा वही procedure रहेगा. Left hand side पर हम सारे X इकट्ठे कर लेंगे और राइट हैंड साइड पर हम सारे नंबर इकट्ठे कर लेंगे. सो दिस इज x by 3, ये प्लस का x by 5 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा. माइनस 3 by 5, ये माइनस का है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए 15 एलसीएम, 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15. यहाँ पर भी 15 एलसीएम, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5s are 15, 5 5s are 25. So 5 में से 3 गया, this is 2x by 15 and this is 16 by 15. So 2x, 16 by 15, यहाँ 15 बेटा देखिए डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 से 15 कैंसिल. So 2x is equals to 16, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, and this is the answer. Now this is question number 6. m minus 1 by 2 is equals to 1 minus m minus 2 by 3. तो देखिए इसके अंदर भी हम पहले denominator को separate करते हैं, m by 2 minus 1 by 2. Same यहाँ पर भी हम करेंगे, m by 3 minus 2 by 3. तो देखिए m माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो माइनस m by 2, माइनस माइनस प्लस 1 by 2, 1 माइनस m by 3, माइनस माइनस प्लस 2 by 3. तो हमने ब्रैकेट जो है बेटा वो ओपन कर दी. तो अब वही करेंगे, सारे जो वेरिएबल m है उस उन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पर इकट्ठा कर लेंगे. तो m माइनस m by 2, ये माइनस की टर्म है, इधर आकर के प्लस की हो गई m by 3. 1 plus 2 by 3 plus का 1 by 2 right hand side पर जाकर किसका हो गया, minus का. अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं, तो 6 हमारे पास LCM आ गया. तो this is 6M, 2 3 जा 6, तो ये 3M हो गया.
थ्री टू सा सिक्स, टू टू को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m हो जाएगा। सेम यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लेंगे, 6 हो गया एलसीएम, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो कैलकुलेट करते हैं, 6m में से 3m माइनस किए कितना आया, 3m प्लस 2m कितना हो गया 5m बाय 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 बाय 6। तो 5m is equals to 7 by 6, 6 यहाँ divide में है, उधर जाएगा तो multiply हो जाएगा, 6 से 6 cancel, तो देखिए क्या आया 5m is equals to 7। तो आप देख सकते हैं 5 multiply में है, right hand side पे जाएगा तो divide हो जाएगा, and this is your answer, answer is 7 by 5। Now this is question number 9, 3 एंड ब्रैकेट में है 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में है 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में है 8z माइनस 13 एंड माइनस 17। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 सा 15 एंड 3 7 सा 21, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर क्या था 3, तो उसको पहले 5z से किया तो कितना आया 15z, फिर 3 को 7 से किया तो कितना आया 21। अब बिल्कुल ऐसे ही माइनस 2 को 9z से करोगे तो दिस इज माइनस 18z। अब माइनस 2 को बेटा, इस माइनस 2 को माइनस 11 से करना है, तो माइनस माइनस पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 11 2 सा 22। अब बिल्कुल ऐसे ही यहां पर 4 को 8z से करोगे तो 32z, फिर 4 को 13 से करोगे 34 सा 52 एंड माइनस 17, ठीक है। अब जितने भी z वाली टर्म्स हैं उन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड पर इकट्ठा कर लेंगे, 15z, एक तो ये है, एक ये माइनस 18z, और तो यहाँ कोई नहीं है, उस तरफ देखिए 32z प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बाकी नंबर्स देखते हैं, माइनस 52 माइनस 17, ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये दो नंबर है, इनको हम राइट साइड पर लेकर आएंगे, तो माइनस 21 वहां जाकर प्लस का हो गया, प्लस 22 वहां जाकर माइनस का हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 15 माइनस 18 कितना आएगा, माइनस 3z माइनस 32z, और यहां पर हम देखते हैं कैलकुलेशन, 52 एंड 17 कितना हो जाएगा 69, एंड इन दोनों को कैलकुलेट करें तो कितना आएगा माइनस 1, प्लस का 21 माइनस का 22 तो कितना बचेगा माइनस 1, यहां दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस इज 35z, 32 प्लस 3 दैट इज 35, और यहां भी दोनों ऐड होकर 70, माइनस से माइनस कैंसिल, so 35z is equals to 70, तो z की वैल्यू आ गई 70 by 35, 35 2 जा 70, तो आंसर कितना आया z is equals to 2। Now this is question number 10, 0.25 ब्रैकेट में है 4f minus 3 is equals to 0.05 ब्रैकेट में है 10f minus 9। तो देखिए पहले हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना लग जाएगा बेटा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, तो नीचे कितने जीरोस आएंगी 2 जीरोस आएंगी। अब यहां पर 4f minus 3, बिल्कुल ऐसे ही यहां भी 5 upon 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 जीरोस आएंगी, दिस इज 10f minus 9। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, 100 से नहीं होगा, ठीक है। तो 25 को 4 से किया 100, और ये नीचे वाला 100 as it is, f minus 25 को 3 से करोगे 75 upon 100, अब ऐसे ही 5 को 10 से करोगे 50 upon 100 f, 5 को 9 से करोगे 45 upon 100, ठीक है। अब जितनी भी f वाली terms हैं उनको हम left side पे ले आते हैं, 100 f by 100 minus 50f by 100 is equals to minus 45 by 100, minus का है, right hand side पे जाकर plus का 75 by 100, तो 100f यहाँ पर 100 LCM ले लीजिए,
100F माइनस 50F, यहाँ पर भी 100 आप एलसीएम ले लीजिए, माइनस 45 प्लस 75, सो दिस इज 50F बाय 100 इज इक्वल्स टू 30 बाय 100, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये 100 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50F 30 बाय 100 इनटू 100, देखिए ये 100 डिवाइड में था, राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, 50F इज इक्वल्स टू 30, F यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आया 3 बाय 5। So I have discussed with you some questions of exercise 2.5. Remaining questions are exactly same, so you can do it by yourself. And this is your homework. Do exercise 2.5 in your maths notebook. I'm sending a PDF also in which you can see solutions of all the questions. So do your work properly. Take care.